तो हेलो गाइस, मेरा नाम है इस्लाम खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो वैसे आज की वीडियो बहुत इंतजार की होने लगी क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कराची। तो आप चलकर देख लेते हैं कौन से ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं कराची के बारे में जो हम लोगों को नहीं पता। देखते हैं ये वीडियो, ये तो देख के ही पता चलेगा, लेकिन आप उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे इस पे बातें। तो लेट्स प्ले। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सनपी तजारती तालीमी और इक्तसादी मरकज है और ये दुनिया का छठा बड़ा शहर है। और ये शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बहिरे अरब के शुमाली साहिल पर वाकिया है। तो अब जानते हैं कराची के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। देखते हैं भाई इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब इस वीडियो को ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। द फर्स्ट कैपिटल। कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी था, यानी पाकिस्तान के वक्त जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान अलहदगी हुई तो उस वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया था। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा और फिर बाद में इस्लामाबाद को बाकायदा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया गया। बिल्कुल। कराची हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन। कराची एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है और यहाँ तकरीबन 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 के करीब लोग बसते हैं और ये आबादी लंदन से 2 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि कराची को दुनिया का छठा बड़ा शहर माना जाता है। अ सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स। कराची को इमिग्रेंट्स यानी तारिकीने वतन का शहर भी कहा जाता है। जैसा कि कराची एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है और ये लाखों तारिकीने वतन का भी शहर है। यहाँ पर लाखों बंगाली, ब्राह्मण, रोहिंग्या और हजारों की तादाद में अफगान, अफ्रीकन, फिलिपाइनीज, चाइनी और ईरानी आबाद हैं। इस शहर में हर रंगो नस्ल के लोग समाए हुए हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद कराची में है, ग्रैंड जामिया मस्जिद कराची। मक्का और मदीना की मस्जिदों के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद में एक वक्त में 950,000 नमाजी बैठ सकते हैं। मस्जिद को एक बुलंद मुकाम पर बनाया गया है ताकि दूर दूर से दिखाई दे और मस्जिद के मीनार की ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर है और मस्जिद में 150 गुंबद हैं। एवरीथिंग इज फॉर सेल इन कराची। दुनिया की हर चीज जो आप खरीदने का सोचते हैं वो आपको कराची में मिल जाएगी, चाहे हीरे की अंगूठी हो, आईपैड, कश्ती, बंदूकें, गाड़ियां, हर चीज आसानी से कराची में मिल जाती है। फाइनेंशियल हब। कराची पाकिस्तान का मालियाती मरकज है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की हैसियत से महरूम होने के बावजूद कराची आज भी पाकिस्तान का मालियाती मरकज है और 2019 में कराची की जीडीपी तकरीबन $164 बिलियन थी। कराची शहर की अपनी स्टॉक एक्सचेंज है जो आज भी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज से आजाद काम कर रही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलेंटियर एम्बुलेंस सर्विस। कराची में दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस भी काम कर रही है। एदी फाउंडेशन की बुनियाद 1951 में अब्दुल स्तार एदी ने रखी, जिसके तहत एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है। आइकॉन टावर कराची। आइकॉन टावर कराची पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत है और ये जनूबी एशिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है। इसकी ऊंचाई 896 फीट है और तकरीबन 70 फ्लोर पर मुश्तमिल है। द लकी वन मॉल। द लकी वन मॉल जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और ये कराची के इलाका राशिद मिनहास रोड पर मौजूद है। ये मॉल इतना बड़ा है कि आप सारा दिन भी इस मॉल में घूमें तो फिर भी आप पूरा मॉल विजिट नहीं कर सकते। एशियाज लार्जेस्ट क्रिश्चियन क्रॉस। कराची में एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस भी है। गोरा कब्रिस्तान में 140 फीट बुलंद एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन परवेज हिलरी गिल ने तामीर करवाया था। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया। आप लोग प्लीज बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बड़ी शॉकिंग वीडियो थी, बहुत ही कमाल कमाल के फैक्ट्स थे इसमें। तो मुझे एक ही दो पता थे, ज्यादा पता भी नहीं थे।
और ये तो मुझे पता था कि कराची वहाँ की पहले कैपिटल सिटी थी 1947 से लेके 1960 तक की कैपिटल सिटी थी, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हो गई। और कराची भी यार वैसे भी बहुत ही कमाल की सिटी, वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट सिटी है भाई, ये मुझे पता चला। और ह्यूज पॉपुलेशन तो इसकी आई है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास होने वाली है। और दुनिया की हर चीज़ सब कुछ कराची मिलता है, ये मुझे नहीं पता था, ये फर्स्ट टाइम पता चला। और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मॉस्क, हाँ मैंने सुना तो था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी मॉस्क है। ये मॉस्क वहाँ पे कराची में 9 लाख लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, बड़ा ही शॉकिंग है यार, मतलब ऐसे 9 लाख थोड़ी नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन 9 लाख मतलब। और फाइनेंशियल कहता तो भाई ये पाकिस्तान के कराची की GDP बहुत ज़्यादा है वो यार, 2019 में 160 थी, तो अब तो मेरे हिसाब से 170 से ऊपर होगी। और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं कराची में, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान में। और वो भी मुझे पता था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है एम्बुलेंस सर्विस है वो भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये नहीं पता था कि कराची में, ये मुझे नहीं पता था। वो मुझे नहीं पता था कि मॉल जो दिखाया था लकी वन मॉल, बहुत ही बड़ा मॉल है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल, ये मुझे भी नहीं पता था कि एशिया का सबसे बड़ा है। और एशिया का सबसे बड़ा वो क्रिश्चियन क्रॉस, वो भी मुझे नहीं पता था, वो भी फर्स्ट टाइम पता चला। और जब नीचे दिखाया था तो गेट मतलब जो था दरवाजा वहाँ का बहुत ही हाईएस्ट था यार, मतलब मेरे हिसाब से वो भी जितनी बड़ी कराची की वो बिल्डिंग थी उतनी बराबर वो भी था, बहुत ही बड़ा था। ये बड़े कमाल का बल्कि अमेजिंग फैक्ट्स थे कराची के बारे में जो मुझे नहीं पता था, काफ़ी चीज़ें इसमें नई थी, कुछ चीज़ें पता थी कुछ चीज़ें नहीं पता थी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।